अडवाणी जी का होना अनिवार्य है, और हम ये भी कहेंगे वो कृपया नाम है। आपको मालूम है कि नहीं, आप अडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? अडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई है और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊंगा, हरी इच्छा बलवान। मैं आपको बता दूं, 5 अगस्त को कल्याण सिंह जिद करने लगे मैं जरूर आऊंगा। अब क्या करें? तो मैंने उनके लड़के को कहा, इनको हाँ हाँ करते रहो, आखिर के दिन सोचेंगे। और आखिर के दिन उनको कहा, आज आपको नहीं आना, मान लिया। घर के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? प्राण प्रतिष्ठा के पूजन के पश्चात अर्थात 23 जनवरी से 48 दिन की पूजा और होगी। 48 दिन की इस पूजा को मंडल पूजा कहा गया है। अब उत्तर भारत में हम सब इसको नहीं जानते, लेकिन अनेक उत्तर भारत के अयोध्या के विद्वान संत उसे जानते हैं, मंडल पूजा। ये मंडल पूजा 48 दिन होगी, 23 जनवरी से तो मार्च तक होगी। कर्नाटक में उडुपी नाम का स्थान है, वहां के जगतगुरु मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज के नेतृत्व में ये पूजा होगी। और विश्व प्रसन्न तीर्थ जी हमारे ट्रस्टी भी हैं, तो आधिकारिक लोग ये पूजन कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन 23 तारीख से ही समाज दर्शन कर सकेगा। वर्तमान में आज जहां भगवान विराजमान है, इसके बारे में अभी विचार चल रहा है, यहां दर्शन पूजन कब बंद किया जाए ताकि अंदर के काम गति पकड़े। मैं समझता हूं आज इतनी बात तत्काल मेरे दिमाग में थी। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।